ये रात्रि क्लास है 10 जनवरी 1964। ऑफिस का काम बुद्धि में पड़ा रहता है ना, तो वो निकल जाता है जबकि पहाड़ों पर घूमने फिरने जाते हैं। ऑफिस में रहने से उनकी बुद्धि में ऑफिस का काम रहता है, तो उसको कहते हैं बुद्धि से ये निकल जावे तो बुद्धि रिफ्रेश हो जाएगी, उन ख्यालातों से बुद्धि फ्री हो जाएगी। उसको कहा जाता है रिफ्रेश होने के लिए, थकावट दूर करने के लिए। ऐसे भी कहेंगे ना, यहां भी तुम आते हो आधा कल्प की थकावट दूर करने के लिए, क्योंकि भक्ति मार्ग की बहुत मेहनत की हुई है ना। बच्चों को तो नहीं जानते हैं, दुनिया वाले ज्ञान को ही नहीं जानते हैं। बच्चों को सिर्फ भक्ति 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 कहते रहते हैं। भक्ति में जो ये शास्त्र पढ़ते हैं उनको भी भक्ति कहेंगे, वो ज्ञान तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि ज्ञान मिलता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं और एक बाप से ही ज्ञान आता है, बाकी मनुष्यों से तो अज्ञान भक्ति ही आती है। अभी सारा भारत, सारी दुनिया, सारी दुनिया नहीं कहेंगे, भारत को खास कहेंगे, क्योंकि वो भारतवासी जास्ती पत्थर बुद्धि बने हैं। वो तो अभी भी थोड़ा यहां होगा ना तो बोलेंगे विनाश होता है, क्योंकि उनकी बुद्धि में भी ये है कि हमारे पास ये जो सभी सामान है सो विश्व को विनाश करने के लिए है। तो दुनिया विनाश होती है तब जब उसके पहले फिर नई दुनिया स्थापन होगी, पहले स्थापना फिर विनाश। सारी विश्व सदैव खत्म तो नहीं होती है, ये दुनिया तो होती ही है। वो लोग समझते हैं कोई दुनिया एकदम खत्म नहीं होती है, अभी चेंज होती है, जरूर दुनिया में चेंज होती है, क्योंकि ये दुनिया कोई पैराडाइज तो नहीं है ना, ये कोई नई दुनिया नहीं है, हेवन तो नहीं है, हेल है। हेल माने ही वो लोग समझते हैं कि पुरानी दुनिया है, न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड। तो तुम बच्चों को यहां अच्छा समझाया गया कि न्यू वर्ल्ड क्या होती है, ओल्ड वर्ल्ड क्या होती है, और ये न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कैसे होती है ये भी तुम समझते हो। ये सबक सिर्फ तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में है, दूसरों की बुद्धि में क्यों नहीं है? क्योंकि तुमको विस्तार सहित डिटेल सहित समझाया गया है,
इसलिए तुम बच्चों की स्मृति में है और ये स्मृति में रखना भी है कि कल्प वृक्ष न्यू और ओल्ड। न्यू कल्प वृक्ष को कहा जाता है सतयुग और ओल्ड को कहा जाता है कलयुग। कलयुग अर्थात कल है कलेश का युग। अब ये बात कोई स्मरण नहीं करते हैं क्योंकि इनका पूरा विस्तार किसी की बुद्धि में नहीं है और तुम्हारी बुद्धि में है। सो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सबकी बुद्धि में विस्तार से नहीं है। अगर किसको नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार थोड़ा बहुत है भी तो भी समझाने के लिए जो रिफाइननेस चाहिए जिससे मनुष्य जल्दी समझ जावे वो बात तो अभी तक भी बुद्धि में नहीं है। क्यों नहीं है? अभी तक माने कब तक? 64 की वाणी है ना। अभी तक इसलिए बुद्धि में नहीं है क्योंकि जो सुनते हैं उसका विचार सागर मंथन नहीं करते हैं। अभी तक वो बात जल्दी बुद्धि में नहीं आती है। रिफाइननेस रिफाइन की हुई अभी पुरुषार्थ करके ऐसे रिफाइन बन रहे हो। ऐसे दिल कहती है कि ऐसे प्लेन से किसको समझावे जो झट उनकी बुद्धि में बैठ जावे। ये तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। ऐसे अनायास उनकी बुद्धि में से निकले बोले बेहद के बाप से नई दुनियाएं होती है और उनका नई दुनिया का वर्षा मिलता है। बाप है ही सत्य तो सत्य बाप से सतयुग का वर्षा मिलता है जिसे नई दुनिया कहा जाता है। पुरानी दुनिया को कहेंगे छी छी दुनिया छी छी राज्य जानवरों का राज्य। ये हैं बहुत समझने की बातें। थोड़ा थोड़ा इशारा तो देना पड़ता है। तो जो भी पुराने अच्छे होंगे उनको इशारा मिलने से ही झट उठा लेंगे कि तो राइट बात है। 84 जन्म भी ठीक है। सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग ये भी ठीक है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया भी जरूर है। तो कोई ऐसे निकलेंगे जो झटपट उठा लेंगे। यूं तो तुम भी बहुत ही हो। क्योंकि तुमको भी तो निश्चय है। पक्का निश्चय है वो तो छटते रहेंगे। कच्चे बच्चे शायद टूट भी पड़े या तुम आया उनको तोड़ डाले। ये भी कहते हैं तब कहते हैं जबकि समझते हैं कि बहुत टूट गए हैं। तभी फिर कहते हैं कि हाँ शिव भगवान वाच आश्चर्यवत भागंती मरंती ऐसे गाया जाता है ना। तो यहां भी देखते हैं कि ऐसे बहुत होते जाते हैं।
ये भी समझा जा सकता है कि लड़ाई के बीच में मारामारी तो जरूर होती है और वो मारामारी दोनों तरफ होती है, परंतु यहां अपन तो कोई मारामारी नहीं उठाते हैं। यहां तुमको किसी को बंदूक से नहीं मारना है, यानी तुम्हारी लड़ाई किससे है? तुम्हारी लड़ाई तो माया से है। और ये बात तो जरूर होती है कि मनुष्य सृष्टि में मनुष्य माया से मर करके ईश्वर के बनते हैं। 10 जनवरी 1964 की वाणी का दूसरा पेज। जब ईश्वर के बनते हैं, फिर कोई कोई ईश्वर के बनते बन करके माया के बन जाते हैं। देखो यहां भी अभी जो ईश्वर के बने हैं फिर माया के बन जाते हैं ना, तो उनको फिर कहा जाता है मर गए। जी रहे हैं, इसको जीना और मरना कहा जाता है। ये जीने और मरने की बेहद की बात है। जो बेहद के बाप को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, मान लेते हैं, निश्चय हो जाता है कि बेहद का बाप आया हुआ है, तो कहा जाता है जिंदा हुए, जीवन मिला, फिर निश्चय है। कारण है या कारण है, उखड़ जाता है तो कहते हैं मर गया। तो एडाप्ट किया, फिर एडाप्शन को कैंसिल भी कर देते हैं। इसको कोई डाइवोर्स भी कहते हैं, कोई फिर फारकति भी कहते हैं, और फारकति को ही डाइवोर्स कहा जाता है। तो ये भी समझा जाता है, ये होता है। और विवेक भी कहता है कि माया जो इतनी बड़ी प्रबल है तो जरूर बहुतों को तूफान में ले आती है। बाप से छुड़ाए कर ले जाती है, बाबा के गोद से निकल करके माया की गोद में चले जाते हैं। इन बातों से हम समझते हैं कि माया बड़ी प्रबल है, नहीं तो ईश्वर की गोद से कौन छुड़ा सकता है। परंतु देखो हाय री माया, जो टेम्पटेशन दे करके बच्चे भी यहां से भाग जाते हैं। तो हम समझते हैं कि हार जीत होती रहती है, इसका नाम ही है हार जीत का खेल। तो अभी जीत और फिर हार, ये हार और जीत का खेल है। अभी तुम हारे हुए हो ना, किससे हारे हुए हो? कहेंगे ये 5 विकार रूपी रावण से हारे हुए हैं। फिर जीतने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो चाहते हो विशाल बुद्धि में बेहद की बुद्धि में रहने के लिए। और जीतना तो सभी को अपने अपने समय पर ही है, बाकी ऐसे भी है कि हमेशा तो नहीं जीतते रहेंगे। हाँ ये पक्का है कि आखिर में जीत हमारी ही होगी। परंतु बहुत आवे बाप का बने,
फिर उस माया का जाकर बने, किसका बने, फिर उनका जाकर बने। बच्चों की बुद्धि में ये बात बैठी हुई है कि अभी हम बाप के बने हैं। अभी जिसके लिए कहा जाता है बाप के बने हैं, तो बाप का भी पक्का बनना चाहिए ना। ये है ही माया और ईश्वर, ये उनकी हार और जीत की बात है, ये भी एक खेल है। सो भी देखते हो कि हार कैसे होती है, माया कितना टेम्पटेशन में लाती है, ऐसी टेम्पटेशन देती है जो देखा गया है कि जो ध्यान वगैरह में भी जाते हैं, ऐसे ध्यान में जाने वालों का भी खेल खलास हो जाता है। अच्छी अच्छी बच्चियां थी ना, अपने पास ही थी ना, जो भाषण भी करती थी, और सबसे अच्छी छोटी बच्ची गिनी जाती थी। किसी ने नाम बताया जानकी दादी की छोटी बहन, हाँ बड़ी खरी भी थी और वो अभी भी खरी है। तुमने देखा है उनको, किसी ने जवाब दिया अभी नहीं देखा है। नहीं देखा है, अभी जब से गई है उसके बाद से नहीं देखी है। बाबा के पास आई थी, आकर के रही थी। जब हम मारवाड़ी के पास, हम भी रोड पर शांति निकेतन में था, तब आई थी। ये करोड़पति हैं अभी भी, कम नहीं है। वो बड़ी खुश रहती थी, हमेशा ज्ञान डांस करती थी, खाती भी थी, बातचीत भी करती थी, बहुत खुश रहती थी। वो खुशी और ये बातें भूल गई। अब अमेरिका में भी है, जाती है, और अमेरिका का दूसरा भी एक है, वहां भी जाती है। वहां उनको सोना बहुत मिलता है, ढेर का ढेर। अभी तो वो बच्चों वाली हो गई है ना, आगे आई थी। जब हम शांति निकेतन में थे, बच्चों को बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम 84 जन्म चक्कर लगा करके अभी पूरा किया। फिर वो मुरलियां, परंतु वो मुरलियां कोई याद थोड़े ही रहती हैं। एक तो पुरानी हो गई और नई भी सुनी नहीं, तो रिफ्रेश तो हुए नहीं। सिंध में ही रहते थे, उस समय भागे नहीं थे। उसके पहले की बात है, वहां जो आते थे सभी सिंधी, शायद कोई बाहर वाले भी आते थे, उनको देख करके औरों को भी आना होता था। बाकी घर में तो बहुत करके सिंध के ही थे, ऐसे नहीं कि नहीं थे।
वो तो बाबा को याद है, वो भी फिर पढ़ाई है। तो याद और पढ़ाई में फर्क है। याद माने माँ बाप की याद, पढ़ाई माना कितना किताब, ज्योमेट्री वगैरह, उनके बीच में बहुत बातें। परंतु सहज तो बाप की याद है, पढ़ाई अच्छी तरह से टाइम लेती है, परंतु ये एक्यूरेट याद बड़ी डिफिकल्ट है। और ज्ञान तो इजी हो गया, कभी कोई ऐसे नहीं लिखते हैं बाबा को कि बाबा आप जो सुनाते हो वो हम भूल गए हैं। वो तो सुनाते हैं, तो ज्ञान तो याद रह जाता है, बाकी याद याद में टिकते नहीं है, भूल जाती है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी बाप की नमस्ते। और यही बाप है जिससे स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो जो पढ़ते हैं तो जरूर जास्ती मार्क्स उठाएंगे। अच्छा, ओम। अगला रात्रि क्लास है 12:01:64। '69 में रिवाइज हुआ। घर को छोड़ करके आए हैं, और दूसरा बाप दादा के घर में आए हैं, तो जरूर उनको याद करते होंगे। अर्थात घर छोड़ा तो सारा परिवार छोड़ा, फिर यहां आकर के खाना पीना बैठना एक के ही घर में होता है। और याद करना है, परंतु दूसरे को याद करते हैं और खाना पीना सोना बैठना यहां करते हैं, तो ये तो ठगी की बात हो गई। क्यों ठगी की बात हो गई? तो बाप ने समझाया है, एक होती है व्यभिचारी याद और दूसरी होती है अव्यभिचारी याद। व्यभिचारी याद माना बहुत मित्र संबंधियों को याद करना। ये बात ठीक से बुद्धि में आती है, कोई होते हैं कोई को भी याद करें और कोई होते हैं नहीं, हमको तो सिर्फ एक को याद करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये बात तुम कहते हो ना बरोबर? तो एक माना वो हो गई अभिविचारी याद। अभी दूसरे कोई की भी याद पड़ती है तो हो जाती है अभिविचारी याद। सुनना भी ऐसे ही होता है। बाप ने समझाया है और बहुत दफा समझाया है कि भक्ति भी अभिविचारी शिव की, और औरों को याद करते हैं वो हो जाती है अभिविचारी भक्ति। भक्ति भी जब सतो प्रधान होती है तो अभिविचारी भक्ति करते हैं।
जब तमो प्रधान बनते हैं तो व्यभिचारी भक्ति होती है। तो देखो भक्ति में भी ऐसे होता है क्या, पहले अब व्यभिचारी सतो प्रधान और बाद में व्यभिचारी तमो प्रधान भक्ति हो जाती है। याद में भी ऐसे ही, भक्ति में भी ऐसे ही। याद करना तो एक को है ना, क्योंकि अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला, वो तो एक हमारा कमाल करके विश्व का मालिक बनाई देती है। किसको है, किसको विश्व का मालिक बनाए देते हैं, जो एक को याद करते हैं। इसलिए जो याद करते हैं वो सदैव एक को ही याद करना चाहिए। तो बच्चे जानते हो कि बहुत हैं जो बहुतों को याद करते रहते हैं। तो याद सिर्फ देवी देवताओं की या ईश्वर की? बाबा इस बात के फर्क में नहीं आते हैं। मेरा तो एक शिव बाबा। तो एक होता है भक्ति मार्ग में भी भक्ति करना, पूजा करना, फलाना ढिकाना करना, क्योंकि भक्ति में याद तो पड़ती है। ऐसा अगर एक की याद करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाबा भी कहते हैं कि हमने भी तो पहले पहले शिव बाबा की भक्ति की है और हमने बहुत भक्ति की है। अब व्यभिचारी से उतर करके व्यभिचारी में चले आई, तो अभी बच्चों को क्या करना चाहिए? जब अंजाम करते हैं हम एक को ही याद करेंगे, सो तो बाप रोज रोज ऐसे ही कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हमको शिव बाबा याद नहीं पड़ता है। तो बाबा कहते हैं वाह, तुम जब भक्ति मार्ग में थे तब भी अंजाम करते थे और ये अंजाम ही ऐसा करते थे कि हम शिव बाबा को ही याद करेंगे। अब भी बिचारी भक्ति करेंगे, दूसरे कोई को याद नहीं करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में दूसरा कोई भी फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, है? एक शिव बाबा ही फायदा पहुंचाने वाला क्यों है? दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र फायदा पहुंचाने वाला क्यों नहीं है? कारण तो कोई होगा, है? सब स्वार्थी हैं। एक बाप ही है जिसको स्व का रथ नहीं है। इसलिए जो भी स्वार्थी हैं वो पहले अपने को फायदा करेंगे या दूसरे का फायदा करेंगे? अपने को फायदा करते हैं। कोई दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले नहीं है। इससे साबित होता है कि एक ही पतित पावन है। कौन सा एक? जो पतितों को पावन बनाने वाला है। और पतितों को पावन बनाने वाला कौन है? जो स्वार्थी नहीं है। क्यों नहीं है स्वार्थी? क्योंकि उसको अपना रथ है ही नहीं।
अगर उसको भी अपना रथ होता तो वो भी स्वार्थी हो जाता। तो पतित पावन थोड़े ही कहा जाता, पतितों को पावन बनाने वाला एक ही निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बाप है, और तो इस दुनिया में किसी को भी नहीं कहा जाता, न ब्रह्मा को न विष्णु को न शंकर को। माना ब्रह्मा को भी अपना रथ है या नहीं है? है। तो ब्रह्मा भी स्वार्थी हुआ या नहीं हुआ? वो भी हुआ। और विष्णु, विष्णु को भी रथ है। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि विष्णु बाप समान निस्वार्थी है, शंकर को भी निस्वार्थी नहीं कहेंगे। शंकर भी स्वार्थी है। अगर स्वार्थी न होता तो याद में क्यों टिकता? क्यों याद करता है? शंकर याद में रहता है ना, चित्र याद में दिखाए जाते हैं ना, तो याद क्यों करता है? है उसके भी कुछ न कुछ हिसाब किताब है। तो लक्ष्मी को, नारायण को, अम्बा को, इन देवताओं में से भी किसी को पतित पावन नहीं कहा जाता। इनमें से कोई भी पतितों को पावन बनाने वाला नहीं है, एक को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक ही है जो सदैव निराकारी है। निराकारी होने के कारण साकार के संग में आते हुए भी उनके संग के रंग में नहीं आता है। तो वो ऊंचे से ऊंचा है, भक्ति में भी वो ऊंचे से ऊंचा कहा जाता है। कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। अभी ये भक्ति तो नहीं है, अभी तो बच्चों को ज्ञान है। क्या अंतर है? भक्ति में भी कहते हैं ऊंचे से ऊंचा करतार, एक ही ऊंचा है, और ज्ञान में भी यही कहते हैं ना, एक ही ऊंचे से ऊंचा है। परंतु अंतर क्या है? है यहाँ पहचान है, और भक्ति में उस ऊंचे से ऊंचे बाप की पहचान नहीं होती है। ऐसे ही कहते रहते। और इस ज्ञान में भी मुख्य बात है याद की, जिसको कहते हैं ऊंचे से ऊंचा करतार, उसकी याद भी कब आएगी? पहचान होगी तब याद आएगी। यह भक्ति मार्ग की तरह बिना पहचान के याद आएगी? पहचानने के बाद ही याद आती है। किसकी याद आती है? ज्ञान सागर बाप की याद आती है। तो फिर उसको याद करना पड़ता है, क्योंकि ये बातें खुद ज्ञान सागर कहते हैं। तो जो भक्ति में कहते थे जब आप आएंगे तब आपकी याद में रहेंगे,
क्योंकि उस समय भी आत्मा को ये समझ तो होती है ना कि बाप है, आएंगे तो उनकी ही याद करेंगे, उनकी याद करेंगे तभी तो वर्षा मिलेगा। कैसा वर्षा है? वर्षा भी अब भी विचारी सतो प्रधान चाहिए, तो ये सभी बातें बच्चों को याद करनी चाहिए कि हम भक्ति मार्ग में भी कहते थे, और अभी तो बाप प्रैक्टिकल में आया हुआ है, तो एक की याद, फिर दूसरे कोई की भी याद नहीं करनी चाहिए। यहाँ के मित्र संबंधियों से देवताएं तो और ही अच्छे हैं, क्यों है? क्योंकि जो देवताएं हैं वो दिव्य स्वभाव वाले हैं, वो तामसी नहीं है, सात्विक स्टेज वाले हैं। वो देवताएं सतयुग में ही होते हैं 16 कला संपूर्ण, और अभी के मित्र संबंधी कैसे हैं? तामसी हैं, आखिरी जन्म के मित्र संबंधी हैं, तो दुखदाई होंगे या सुखदाई होंगे? सब दुखदाई। फिर भी इंटरिम में इन अनेकों को याद करने से विकारी छी छी हो पड़ते हैं। कैसे हो पड़ते हैं? वे माने विशेष, कार्य माना कार्य करने वाले, विशेष कार्य करने वाले, विपरीत कार्य करने वाले। काहे के विपरीत? भगवान ने जो श्रीमद् भगवत गीता गाई है, जो श्रीमत दी है, उस श्रीमत के विपरीत कार्य करने वाले बन पड़ते हैं। तो उनको भी याद करने से फिर बेविचारी याद हो जाती है। किनको याद करने से? इस दुनिया के जो भी मित्र संबंधी हैं, उनको याद करने से भी बेविचारी याद हो जाती है। अगर शिव बाबा को याद करें तो उसे कहा जाता है अब बेविचारी। तो अभी हरेक अपने अपने दिल से पूछे कि हम एक को याद करते हैं या अनेक मित्र संबंधियों को याद करते रहते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में 63 जन्म अंजाम तो यही किया है। क्या मेरा तो एक, तो दूसरा कोई भी कारण देने की दरकार नहीं है, और कारणों को डाल देते हैं पानी में, क्योंकि समझते हैं तो उस बाप को याद करेंगे तो उनसे और भी दिल लगानी है, क्योंकि उनसे ही फल मिलता है। 12:164 की वाणी का दूसरा पेज। अगर बुद्धि वहां से टूट करके मित्र संबंधियों के पास गई तो फिर व्यभिचारी याद हो जाती है। तो देखना है कि बुद्धि ज्यादा कहां टिकती है, है? बाबा को याद करने बैठे कितना याद किया,
कितनी देर उसी आदि में टिके। फिर मित्र संबंधियों में बुद्धि चली गई तो उनको कितना याद किया और किस लगन से याद किया। तो देखना है, अगर बुद्धि वहां से टूटकर और संबंधियों के पास गई तो जरूर वो विचारी याद हो जाती है। तो हरेक अपन से पूछे कि हम अभी विचारी याद में रहते हैं या विचारी मित्र संबंधी या कोई भी गुरु गोसाई की याद में रहते हैं। अभी तुम बच्चों के तो गुरु गोसाई सब छूट गए, छूट गए हैं, छूट गए। तो अभी गुरु गोसाई की तो शूटिंग नहीं होती होगी। जब छूट गए तो गुरु गोसाई की शूटिंग होती है या नहीं होती है? अरे वो तो छूट गए हैं, वो छूट गए, फिर उनकी शूटिंग कहां से होगी हैं? शूटिंग इसलिए होती है कि यहां भी बाबा की बातों को छोड़ करके, बाबा की श्रीमत को छोड़ करके मनुष्यों की मनमत को सुनते हैं और वो मनुष्य ही गुरु गोसाई बनकर बैठ जाते। तो शूटिंग हुई या नहीं हुई? वो भी शूटिंग हो गई। कहते हैं अब उन गुरु गोसाइयों की पूजा तो हमने छोड़ दी। क्या तो छोड़ दी या अभी भी चालू है? हैं? एक श्रीमत को ही पकड़ते हैं या मनुष्य मत, मनुष्य मत और मनमत पर भी चलते हैं? तो अभी बाकी रही याद मित्र संबंधियों की। अरे वो मित्र संबंधियों की औरों की याद हो जाती है। बाप कहते हैं नहीं मुझे याद करो और उन मित्र संबंधियों को छोड़ दो, क्योंकि मित्र संबंधी भी खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे हैं? ये मित्र संबंधी आदि क्यों खत्म हो जाएंगे हैं? क्योंकि उनको बाप की पहचान नहीं है। पीछे इस बारी तो तुमको सभी मित्र संबंधी दैवी गुणों वाले मिलते रहेंगे। जो अभी बन रहे हैं उनमें से ही मिलेंगे। इसलिए ये बाप को याद करने से, नई दुनिया में जाने से फिर तुम्हारे मित्र संबंधी सब एकदम मिल जाएंगे और पुराने छी छी मित्र संबंधी नहीं मिलेंगे। क्योंकि पुराने छी छी मित्र संबंधी तो सब भ्रष्टाचारी हैं। तो किसका बुद्धि से संग करना चाहिए है? भ्रष्टाचारी मित्र संबंधियों को याद करना चाहिए, जो भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण में गिराए देते हैं। या शिव बाबा को याद करना चाहिए? तो ये जांच करनी है अपनी कि मेरे को जो शिष्टाचारी बनाते हैं या जो तुम्हारी याद है अब भी विचारी, जिससे तुम शिष्टाचारी बनते हो उनको याद करें या मित्र संबंधियों को अथवा देवताओं को याद करें? किसको याद करें? इन दोनों के बीच में किसको याद करें, मित्र संबंधियों को या देवताओं को
है, देवताओं को, देवताएं हैं अभी, जब देवताएं हैं ही नहीं, कोई देवताएं बने हैं, बने ही नहीं, तो याद किसको करेंगे? ये हमेशा अपने ऊपर जांच रखनी होती है। तुमने कहा भी है और बाबा से जन्म जन्मांतर तुमने अंजाम भी किया है कि बाबा जब आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे। इसका क्या मतलब है? आपका ही बनेंगे का मतलब क्या है? क्या बाप के कंधे पर चढ़े रहेंगे? हैं? आपकी ही बात मानेंगे, आपकी ही मत पर चलेंगे और कोई की मत पर नहीं चलेंगे। तो अभी अपने से पूछो कि हमारा बनते हो या दूसरों का भी बनते रहते हो? अपने दिल में देखना चाहिए। तो बरोबर तुम जब ये कहते हो, आपको इतने समय याद किया, इतना समय, कोई कहते आधा घंटा, कोई कहते एक घंटा, कोई कहते दो घंटा, तो बाकी किसको याद किया है? लिखते हैं ना, सारे दिन का चार्ट लिखते हैं, लिखते हैं दो घंटा याद किया बाबा को, तो बाकी 22 घंटे किसको याद किया बताओ? हैं? किसको याद किया है? तो देखो उस याद में कितने आते होंगे 22 घंटे की याद में, बुद्धि में कितनों की याद आती होगी? विविचारी याद की प्रैक्टिस करने वाले हुए या विविचारी याद की प्रैक्टिस करने वाले हुए? ढेर के ढेर याद आते होंगे, परंतु याद करनी है सिर्फ एक की। बाप भी कहते हैं कि तुमने अंजाम किया है, इसलिए तुम मुझे अपने पारलौकिक बाप को याद करो, क्योंकि वो बाप ही है पतित पावन। कैसा बाप बताया? पतित पावन तो है, लेकिन कौन सी दुनिया का, इस लोक का या पारलोक का है? कहां का वासी है? पारलौकिक बाप कहा जाता है ना, तो परलोक में पतित पावन है या इसी लोक में पतित पावन है? अभी है या वो पारलोक प्रत्यक्ष होने वाला है? हैं? प्रत्यक्ष होने वाला है, तो उस पारलौकिक बाप को याद करो, क्योंकि वो ही पतितों को पावन बनाने वाला है। जिसके संग के रंग से तुम पतित से पावन बनते हो, तो ऐसे ऐसे समझ करके, कोशिश करके अपनी बुद्धि को और जगह से हटाकर फिर बाप को ही याद कर लेना, और फिर बाप की महिमा सहित याद करना। ये भी समझते हैं कि बाबा को जितना याद करेंगे उतना हमारे पाप कट जाएंगे। माना? जितना और उतना और कितना पाप कट जाएंगे हैं? अभी बताया, कोई लिखते हैं दो घंटे, कोई लिखते हैं एक घंटे,
तो पूरे पाप कब कटेंगे? हाँ, जब लगातार बुद्धि एक बाप की याद में रहे, तब समझे कि हमारे सारे पाप कट गए। और दूसरे मित्र संबंधी आत्माओं से, गुरु गुसाइयों से हमारा कोई कनेक्शन बुद्धि का नहीं रहा। तो ये है तुम्हारी सिर्फ अव्यभिचारी याद की यात्रा। ऐसे नहीं कि जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी हमको याद करेंगे, ऐसे हो सकता है? हैं? ऐसे नहीं, ऐसे तो कोई कायदा नहीं है। बाबा को कोई अपना पाप काटने का है क्या? बाबा को कोई अपने पाप है क्या? पाप शरीर की कर्मेंद्रियों से बनते हैं, वाचा से बनते हैं, वाइब्रेशन से भी बन सकते हैं। तो ऐसे पाप बाबा के होते हैं क्या? क्यों नहीं होते? क्योंकि बाप को तो अपनी कर्मेंद्रियां है ही नहीं, बाप को अपना मुख है ही नहीं। तो शिव बाबा को कोई पापात्मा कहते हैं क्या? है? परमात्मा कहते हैं। परमात्मा माने परम पार्टधारी, ऊंचे से ऊंचा पार्टधारी। पापात्मा तो नहीं कहते हैं ना? पापात्मा फिर किसको कहा जाता है? हैं? पापात्मा कहा जाता है मनुष्यों को। परमात्मा को पापात्मा नहीं कहा जाता। क्यों? इसलिए नहीं कहा जाता कि मनुष्य तो मन वाले होते हैं। उनका मन कैसा होता है? चंचल मन होता है। और परमपिता परमात्मा को तो अपना मन होता ही नहीं, वो तो अमन है। कैसा है? अमन, सदैव शांति धाम का वासी है, अमन चैन से रहने वाला है। तो मनुष्यों को कहा जाता है पापात्मा। पाप की बात पहले वाचा में आती है या कर्मेंद्रियों में आती है? है? न वाचा में आती है न पहले कर्मेंद्रियों में आती है। पाप की बात पहले मन में आती है। तो मनुष्य होते हैं मन के संकल्पों से पाप का बीज डालने वाले, पाप का बीज बोने वाले। परमपिता परमात्मा कोई भी पाप का बीज डालने वाला संकल्प करता ही नहीं। और यहां इस दुनिया में देवताएं तो कोई होते ही नहीं है। होते हैं है? जो दिव्य संकल्प करने वाले हो, श्रेष्ठ संकल्प करने वाले हो, कोई दुष्ट संकल्प, दुष्ट वाचा या दुष्ट कर्मणा करने वाले होते ही नहीं है देवताएं। परंतु ऐसे देवताएं तो इस दुनिया में कोई अभी है ही नहीं। बाकी रहे मनुष्य, तो वो सभी मनुष्य पापात्मय हैं। क्या सभी में कौन कौन आ गए?
ऊंचे थे ऊंचों का नाम बताओ है। अरे नारायण वाली आत्मा भी अभी पाप आत्मा होगी या नहीं होगी है। अरे चुप, नारायण बनने वाली आत्मा अभी 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 संगम युग में पाप आत्मा होगी या नहीं होगी, होगी, क्योंकि उसका भी मन चलायमान होता होगा या नहीं होता होगा है, जरूर चलायमान होता है। हाँ परसेंटेज कम कहेंगे, क्योंकि जो जितना ज्ञानी होता है वो उतना अपने मन को कंट्रोल कर सकता है, वाचा को कंट्रोल कर सकता है, कर्मेंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकता है। तो कहते हैं जिनमें ज्यादा ज्ञान है वो बड़े हैं। तो अभी ये कहेंगे कि ये दुनिया पाप आत्माओं की है या पुण्यात्माओं की है। अभी ये सारी दुनिया पाप आत्माओं की है, चाहे 500 करोड़ बाहर की मनुष्यों की दुनिया हो, चाहे बेसिक नॉलेज लेने वाले ब्राह्मणों की दुनिया हो, और चाहे एडवांस की ऊंची पढ़ाई पढ़ने वाले ब्राह्मणों की दुनिया हो, है तो सब मनुष्य हैं या देवताएं हैं? मनुष्य ही तो हैं, देवता तो अभी कोई बनाई नहीं। तो पुण्यात्माओं की दुनिया दूसरी होती है। वो कब होती है? अरे है वो पुण्यात्माओं की दुनिया होती है वो कब होती है? यहां इस दुनिया में तो नहीं है, फिर कब होती है? हैं? सतयुग में, सतयुग तो बाद में आएगा, पहले तो संगम युग में ही सतयुग के आदि का हिस्सा है। तो वो स्वर्णिम सतयुग जब शुरू होगा, ब्राह्मणों की इस संगम युगी दुनिया में ही आने वाला है, तब उसे कहेंगे पुण्य आत्माओं की दुनिया। सारी दुनिया पुण्य आत्माओं की होगी या पाप आत्माओं की दुनिया के बीच में पुण्य आत्माओं की दुनिया होगी? इसलिए बोला नरक के बीच में तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देता हो। तो ये बातें तो तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो, इसका क्या प्रूफ? जो बातें अच्छी तरह से जानते हो उनको तुम बाबा के साथ साथ रिपीट करते हो। भले जिसके लिए कोई भी मनुष्य कहते भी हो कि अभी सतयुग आने में 40,000 वर्ष पड़े हैं, क्योंकि कलयुग की आयु इतनी ही होती है, परंतु वो तो बात ही दूसरी हो जाती है। वो समझते हैं ना कि बाप आएंगे 40,000 वर्ष के बाद, जब वो डायरेक्शन देंगे तब हम बाप को याद करेंगे। अभी बाप को याद करेंगे या नहीं करेंगे? जो समझते हैं कि अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं कलयुग खत्म होने में, तो वो अभी बाप को याद करेंगे या नहीं करेंगे? भक्ति मार्ग में याद नहीं करते हैं? हाँ करते तो हैं, लेकिन ऐसे ही मेंढकों में सल ट्रां ट्रां करते रहते, जैसे मेंढकों की बुद्धि में कुछ नहीं होता,
ऐसे ही बोलते तो हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं। तो वो बाप को याद करेंगे या क्या करेंगे? वो कहां जाएंगे? वो तो कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं, फिर तो याद करके करेंगे ही क्या? समझा ना बच्चे, वो उनके लिए है जो जानते ही नहीं है। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो, किसको? बाप को। अगर नहीं जानते हो तो उसका प्रूफ क्या है कि तुम जानते हो या नहीं जानते हो? इसका प्रूफ दो। बैठे हैं, जानते हैं तब तो यहां बैठे हैं। अगर नहीं जानते होते, बुद्धि में होता कि 40,000 वर्ष अभी तो पड़े हैं कलयुग के अंत होने में, तो यहां बैठे होते क्या? नहीं बैठे होते। तो तुम अज्ञानी होते, भक्त होते तो तुम यहां आकर के बैठते ही नहीं, और यहां बैठते भी हो पावन बनने के लिए, और ये भी जानते हो निश्चय है कि हम पतित पावन के आगे बैठे हैं, क्योंकि शिव बाबा भी तो यहां ही है ना। तो देखो, उन्होंने लोन लिया हुआ है, किसका है? किसका लोन लिया हुआ है? ब्रह्मा का, दादा लेखराज का लोन लिया हुआ है। कब की वाणी है? 64 की है। शरीर तो अपना है नहीं है, है? शरीर अपना है नहीं, अपना मकान हो तो चाहे जैसे यूज करो, और किराए का मकान होगा तो है मनमाने तरीके से यूज कर सकेंगे क्या? कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो शरीर तो अपना है नहीं, लोन का लिया हुआ है। कब की बात है? 64 की बात है। इसलिए तुम बच्चे अभी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। कहां की बात बताई? घड़ी घड़ी भूल जाते हो है? 64 की बात बताई। क्यों घड़ी घड़ी भूल जाते हो? क्योंकि शिव बाबा का अपना रथ नहीं है, टेम्परेरी रथ है या भाग्यशाली रथ है? वो तो टेम्परेरी रथ है ना, काबिज तो नहीं है, इसलिए घड़ी घड़ी भूल जाते। नहीं तो तुमको अंजाम जरूर है, वो बाप से ही भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर का अंजाम है कि बाबा जब आप आएंगे तो आपका ही बनेंगे, आपका बन करके फिर नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो सदैव अपनी दिल से पूछते रहो। ऐसे पूछते पूछते ऐसे नहीं हो कि कनेक्शन ही टूट जावे, कोई का लिंक जुट जाता है और कोई का लिंक टूट जाता है।